नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 11 सितंबर शनिवार दोपहर 2 बजे राजस्थान की खास खबरें। जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से एक बिल्डर से 1 करोड़ की फिरौती का मामला सामने आया है। जयपुर की जवाहरनगर पुलिस ने बिल्डर की रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज किया है। बिल्डर निश्चल भंडारी ने बताया कि उसके पास एक फ़ोन आया और फ़ोन करने वाले ने अपने आप को लॉरेंस बिश्नोई बताते हुए कहा कि वह तिहाड़ जेल से बोल रहा है। फ़ोन करने वाले ने उसे 2 दिन में 1 करोड़ की फिरौती देने की धमकी दी, 2 करोड़ रुपए नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। यहां तक कि फ़ोन करने वाले ने यहां तक कहा कि यदि उसकी जानकारी पुलिस को दी तो वह शूटर भेजकर जान से मरवा देगा। जवाहरनगर पुलिस ने बताया कि IT सेल की मदद से अज्ञात की तलाश की जा रही है। पुलिस ने बताया कि यह भी पता लगाया जा रहा है कि फ़ोन करने वाला लॉरेंस बिश्नोई है या कोई अन्य। अजमेर डेयरी के चेयरमैन रामचंद्र चौधरी एक बार फिर से विवादों में हैं। डेयरी के 2 कर्मचारियों के खिलाफ भीलवाड़ा के गुलाबपुरा थाने में एक युवती ने अश्लील वीडियो वायरल करने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज करवाया है। युवती ने बताया कि किसी दूसरी लड़की का वीडियो उसका बताकर बदनाम किया जा रहा है, इसके चलते उसकी हर जगह समाज में बदनामी हो रही है। इधर अजमेर डेयरी चेयरमैन रामचंद्र चौधरी इस पूरे मामले को झूठा बता रहे हैं। चौधरी का कहना है कि युवती ने उसे ब्लैकमेल करने के लिए यह नया हथकंडा अपनाया गया है। पुलिस ने बताया कि एक युवती ने थाने में रिपोर्ट दी है कि रामचंद्र चौधरी के इशारे पर उसके 2 लोगों ने किसी और के अश्लील वीडियो को उसका बताकर वायरल किया है। युवती ने आदमी जालिया निवासी शिवराज भादु और बालापुरा निवासी लादूराम जाट पर ये आरोप लगाए हैं। बाड़मेर में देर रात कुशल वाटिका से पहले गोलाई में रोडवेज बस और बोलेरो की भिड़त में 4 महिलाओं की मौत हो गई, वहीं 10 लोग घायल हो गए। दुर्घटना में घायल 10 लोगों में से एक गंभीर घायल को जोधपुर रेफर कर दिया है। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि सुदाबेरी निवासी बोलेरो से लोहावट देवी देवता के दर्शन कर अपने गाँव जा रहे थे। चौटन चौराहे से कुछ ही किलोमीटर की दूर सामने से आ रही रोडवेज बस की गोलाई में आमने सामने से भिड़त हो गई। बोलेरो कैंपर में बच्चे महिलाओं से 18 लोग सवार थे। जिन 4 महिलाओं की मौत हुई है वे सभी बोलेरो में सवार थे। मृतकों की पहचान सरिता, वाली देवी, भमरी देवी, पप्पू देवी के रूप में हुई है। पंजाब सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को 15 सितंबर तक वैक्सीन की कम से कम 1 डोज लेने को कह दिया है। यदि कोई सरकारी कर्मचारी 15 सितंबर तक वैक्सीन की पहली डोज नहीं लेता है तो फिर उसे जबरन छुट्टी पर भेज दिया जाएगा। वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए कैप्टन सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है। वही 23 सितंबर तक राज्य में कोरोना प्रतिबंधों को बढ़ाने का आदेश जारी किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की घोषणा की स्वास्थ्य कारणों को छोड़कर यदि 15 सितंबर तक राज्य सरकार के कर्मचारियों ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज भी नहीं ली होगी तो ऐसे कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से छुट्टी पर भेज दिया जाएगा। राजसमंद जिले के अमेर थाना क्षेत्र में एक दंपति पर खेत में काम करते समय बिजली गिर गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि झुलसे दंपति को अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें उदयपुर रेफर कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि आज उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। उदयपुर जिले के झाड़ोल थाना क्षेत्र के डडावली से बड़ी खबर सामने आई है, जहां चरित्र पर शक के चलते पति ने पत्नी को गर्म सरियों से दाग दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पत्नी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया है। पुलिस ने बताया कि दोनों का 3 साल पहले ही विवाह हुआ था। विवाह के बाद से ही पति पत्नी को प्रताड़ित करता था। पुलिस ने महिला की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। चूरू जिले के सादुलपुर थाना क्षेत्र में नकली सोना देकर 10 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। धोखाधड़ी को लेकर गांव बेरासर के एक व्यक्ति ने आरोपी के खिलाफ नकली सोना देकर 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। जोधपुर जिले के फलौदी थाना क्षेत्र में रिचार्ज करवाने आए एक बुजुर्ग के 1.5 लाख रुपए की नकदी पार होने की जानकारी सामने आई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि बुजुर्ग रायका बाग स्थित मोबाइल शॉप की दुकान पर रिचार्ज करवाने गया था। उसी दौरान 2 चोरों ने गमछे की आड़ में ऊपर की जेब से 1.5 लाख रुपए पार कर लिए। यह सारी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जोधपुर जिला पुलिस ने 2 अलग अलग होटलों पर हुक्का बार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए हुक्का पी रहे 30 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि होटलों में अवैध रूप से हुक्का बार संचालित किया जा रहा है। सूचना पर पुलिस ने छापे की कार्रवाई की। मौके से पुलिस ने 30 लोगों को गिरफ्तार करते हुए हुक्का फ्लेवर आदि सामान को जब्त किया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है।
झुंझुनू जिले के गुड्डा गौरजी थाना क्षेत्र के सीथल गांव में मां बेटी द्वारा विषाक्त का सेवन कर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि 50 वर्षीय मां कमला देवी और 25 वर्षीय बेटी अंजना ने विषाक्त का सेवन कर लिया, जिससे उनकी मौत हो गई। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again.